इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। आखिरकार स्कूलों को शुरू किया गया, पर वालिदैन आज भी ज़हनी दबाव से गुजर रहे हैं। वो है बच्चों के स्कूल की फीस। स्कूल की फी को अदा करने के लिए स्कूलों से बारह फोन और लेटर भी भेजे जा रहे, पर इस मामले में हुकूमत किसी तरह का दखल देते हुए नजर नहीं आ रही। सभी जानते हैं कि पिछले 10 महीनों से कोरोना आलमी वबा के मद्देनजर लॉकडाउन रहा, कारोबार बंद रहे, नौकरियां से निकाला गया, फैक्ट्रियां बंद रही, कहने का मतलब तमाम जरिए माश ही रुक गया था। हुकूमत खुद भी कभी हाँ कभी ना के रवैये अख्तियार करते दिखाई दे रही थी। स्कूलों को शुरू किया गया तो पॉजिटिव मरीज भी पाए गए, तो कभी स्कूल या साथीजाओं में भी पॉजिटिव पाए जाने की इत्तला हासिल हुई। इसके बाद विद्यागम को बंद किया गया, पर पिछले 1 जनवरी से आखिर फैसला लिया गया कि 9वीं 10वीं 12वीं के क्लासेस को शुरू किया जाए और दिगर क्लासेस को विद्यागम के तहत शुरू रखा जाए। वैसे बेलगाम जिले में तकरीबन 22 असातिजाओं को कोरोना पॉजिटिव होने की इत्तला हासिल हुई है, लिहाजा आज भी कई वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं। कहा तो ये भी जा रहा था कि तमाम बच्चों को इस साल अगली क्लास में ही भेज दिया जाएगा, क्योंकि वैसे भी स्कूल नहीं, पढ़ाई नहीं, और जाहिर है पढ़ाई नहीं तो इम्तिहान भी नहीं। खैर, अब सिलेबस को घटाया गया है। कॉलेज के तलबा और तालिबात के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी करार दिया है, तो दिगर स्कूली बच्चों के लिए मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती की गई है। पर सवाल फीस पर ही आकर रुकता है। फी की जबरदस्ती हर स्कूल में की जा रही है। गरीब मजदूर पेचा या अगर कहे तो छोटे मोटे ताजिर भी अब हजारों की फी अदा करने से कासिर रहे। यकीनन निजी स्कूलों के अखराजात बच्चों की फीस से ही मुकम्मल किए जाते हैं, लिहाजा निहायती गरीब तलबाओं को फीस की जबरदस्ती ना करे, ऐसी अवाम की मांग है। ये भी आवाज लगाई जा रही है कि कुछ वालिदैन का कहना है कि इतने सालों से निजी स्कूल वालों ने फीस के जरिए स्कूलों को तो चलाया ही है, इस बार सभी की हालत खस्ता है तो एक साल के लिए निजी स्कूल वाले वालिदैन को तंग ना करे। सबसे बड़ी बात तो रियासती हुकूमत तालीमी महकमा की है, जो इस बात पर कुछ भी बयान तालीमी महकमाओं से नहीं आया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो वाकई जिनकी भी हालत खस्ता है, इन्हें स्कूल इंतजामिया तंग ना करते हुए बच्चों को क्लासेस में दाखिल होने की इजाजत दे, ऐसा अक्सर वालिदैन का कहना है। अब देखना है कि क्या फैसला लेते हैं। वैसे भी कई जगह पर कानूनी कार्रवाई की भी मांग की जाए। ताज्जुब लगता है कि बच्चों पर कानूनी कार्रवाई की मांग वालिदैन को लेटर के जरिए समझाया जाए। हमने कल ही बेलगाम के किला तालाब पर एक रिपोर्ट पेश की थी। कहा था कि किला तालाब अब पिकनिक स्पॉट नहीं बल्कि सुसाइड स्पॉट बनता जाए, क्योंकि सामने से तो दाखिल होने के लिए दरवाजे बंद है पर पीछे तमाम दीवारें गिरी हुई है। सीसीटीवी नहीं है, वॉचमैन नहीं है। अक्सर खुदकुशी की वारदातों से यहाँ के लोग भी काफी परेशान हैं। हासिल इत्तला के मुताबिक महीने में 2 लोगों की खुदकुशी की वारदातें तो होती ही रहती। आज एक बार फिर एक बुजुर्ग शख्स की लाश को किला तालाब के पानी में तैरता हुआ देखा, तो कुछ लोगों ने तालाब महकमा के साथ पुलिस इंतजामिया को भी इत्तला दी। मार्केट पुलिस थाने के CPI संगम योगी ने वारदात की जगह का जायजा लिया। बोट के जरिए लाश को किनारे लगाया गया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। खुदकुशी करने वाले शख्स की पहचान बाद में हुई, जिसका नाम अफजल पठान आजाद नगर पहले क्रॉस का बताया जा रहा है, जो 5 तारीख से लापता था। जिस्म पर पहना शर्ट और घड़ी से घर वालों ने इसकी शनाख्त की। कन्नड़ तंजीमों की जानिब से म्युनिसिपैलिटी बेलगाम के सामने कन्नड़ परचम लहराया गया, जिस पर मराठी लोगों ने एतराज करते हुए अपना मुतालबा पेश किया और कहा कि अगर इंतजामिया कन्नड़ परचम को हटाने से कासिर है तो इस परचम के बाजू में ही भगवा परचम लहरा जाएगा। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की जानिब से DC बेलगाम को मुतालबा पेश करते हुए MESKI दीपक दलवी ने कहा कि पिछले 15 दिन से शहर के अमन को खत्म करने की कोशिश कन्नड़ तंजीमों की जानिब से बारह की जा रही है और इंतजामिया खामोश तमाशगीर है, जबकि इस परचम को अदालत ने तक गैर कानूनी कहा है। हमेशा से मराठियों पर ज्यादती की जाती है और जानबूझकर वरगलाने की कोशिश की जाती है। इनका रवैया खुद दलील है इस बात के लिए, जो भी वारदात अमल में आती है इसके पीछे इन्हीं महकमाओं की हिमायत हासिल है, ऐसा इनका कहना है। इस वक्त कुछ देर तक पुलिस और MES के दरमियान बहस मुबासा भी हुआ। आखिरकार MES की जानिब से 21 जनवरी को एहतजाजी जुलूस निकालकर
भगवा परचम लहराने का ऐलान किया गया। परचम को लेकर शहर का माहौल गर्माता नजर आ रहा है। ये भी तवज्जो के काबिल है कि जल्द बेलगाम कॉर्पोरेशन इंतखाबात होने, लिहाजा परचम किसको कितनी सीटें जिता कर देता है ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। अंजुमन इस्लाम के सदर जनाब राजू सेठ के हाथों कैलेंडर की इफ्तिताह अमल में आई। राजू सेठ के चाहने वालों ने राजू सेठ और अमान सेठ की तस्वीर वाले कैलेंडर की इफ्तिताह सेठ एंड कंपनी के इंडाल दफ्तर में अमल में आई। इस वक्त राजू सेठ के चाहने वाले भी मौजूद थे, खासकर अमन फयाज चौधरी और नुमान मोकाशी मौजूद थे। बैरूनी खबर पर एक नजर। अंधभक्तों की फौज आपको सिर्फ भारत में ही नजर नहीं आएगी, बल्कि अंधभक्त अमेरिका में भी दिखाई दिए और इनकी परेशानी थी कि अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप नहीं होंगे, उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन की सदारत मंजूर नहीं, लिहाजा फसाद जैसी शक्ल अमेरिका में बनाई गई। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जिसकी दादागिरी दुनिया भर में चलती है, प्रधानमंत्री मोदी भी ट्रंप के बड़े नजदीकी माने जाते, लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप हाल ही सदारती इंतखाबात में हार चुके हैं और आज जो बाइडन की जीत का ऐलान था, ट्रंप के अंधभक्त पहले से ही तैयार थे। किसी तरह जो बाइडन की जीत का ऐलान होने से पहले ही कैपिटल पर चढ़ाई कर 2020 के नतीजों को पलट देने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। वाज़ह रहे, नवंबर 2020 में इंतखाबात मुकम्मल हुए थे जिसमें ट्रंप हार चुके थे, लिहाजा यह हार ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो सके। ट्रंप ने गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हुए भीड़ को हमला करने की हिदायत दी और ट्रंप के इशारे पर सीनेट कमरे तक पहुंचने में कामयाब भी हुए, पर कुछ ही लम्हे पहले जीत का ऐलान हो चुका था। पुलिस ने बम भी बरामद किए जिसके धमाके करने का भी हुक्म ट्रंप ने करने की बात कही जा रही है। गोलियां भी चली जिसमें 4 लोगों के मारे जाने की इत्तला हासिल हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क इस तरह की वारदात से दुनिया को क्या पैगाम देना चाहता है, ऐसा सवाल सारी दुनिया के सामने आन खड़ा हुआ है। ट्रंप भक्तों को आखिरकार गिरफ्तार किया गया। खैर, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।